हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं हम एंगल को कैसे काउंट करते हैं और क्वाड्रेंट्स के नंबरिंग हम कैसे करते हैं। तो अभी तक आपने हमेशा ये देखा है कि 30 डिग्री एंगल 40 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का, 120 का, 130 का कैसे बनाते हैं, आपने देखा है प्रोट्रैक्टर की मदद से। तो अगर मैं एंगल बनाना चाहता हूँ 30 डिग्री का, तो उसके लिए हमें दो रेज चाहिए, ऐसे रे और ऐसे रे, और ये एंगल हो जाता है 30 डिग्री का। तो एक एंगल बनाने के लिए हमें हमेशा दो रेज चाहिए होती हैं और उनके बीच का जो एंगल होता है वो एंगल बन जाता है इस तरह से प्रोट्रैक्टर की मदद से। तो आपने प्रोट्रैक्टर की मदद से अब तक खाली 0 to 180 के एंगल देखे होंगे, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं 200 का एंगल, 300 का एंगल, -10 डिग्री एंगल, -50 डिग्री एंगल, -100 डिग्री, तो आप सोचेंगे ये एंगल कैसे पॉसिबल है। एंगल तो हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कैसे हो सकता है, और एंगल प्रोट्रैक्टर पे हमने खाली 180 तक देखा है, 200, 300, 400 का एंगल हमको कैसे मिलेगा। तो आज यही बात हमको सीखनी है 11th, 12th के लिए कि अब से हमारा जो एंगल होगा वो 0 to 180 के बीच में लिमिटेड नहीं रहेगा। एंगल कितना भी बड़ा हो सकता है पॉजिटिव साइड में, और नेगेटिव साइड में भी कितना छोटा जा सकता है, -1000 डिग्री, -2000 डिग्री तक भी जा सकता है। हमें समझना है कि इसको हम काउंट कैसे करेंगे। तो उसको काउंट करने का बच्चों एक तरीका है, ये आपको सीखना है। मैंने आपको बताया किसी भी एंगल के लिए हमको दो रेज चाहिए, तो हमें दो रेज कैसे मिलेंगी ये आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये मेरी वाई एक्सिस हो गई और ये मेरी एक्स एक्सिस हो गई। ये हो गया एक्स, ये हो गया पॉजिटिव वाई साइड, ये हो गया नेगेटिव एक्स, और ये हो गया नेगेटिव वाई। आपको मालूम होना चाहिए कि इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट वन, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट टू, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट थ्री, और इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट फोर। ये आपको मालूम होगा, आपने 9th-10th में भी क्वाड्रेंट ज्योमेट्री पढ़ी है, तो आपको पता होगा ये क्वाड्रेंट्स हैं। क्वाड्रेंट वन के अंदर एक्स पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है। क्वाड्रेंट टू के अंदर वाई पॉजिटिव है, एक्स नेगेटिव है। क्वाड्रेंट थ्री के लिए एक्स नेगेटिव है, वाई नेगेटिव है। क्वाड्रेंट फोर के लिए एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। ये बातें हुई। अब अगर मुझे एंगल पॉजिटिव गिनना है तो मैं कैसे गिनूंगा? देखो बच्चों, ये जो मेरी रे है ना ओ एक्स, ये जो रे जा रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हमेशा फिक्स रहेगी, ये नहीं घूमेगी। मैंने आपको बताया एंगल जो है हमको दो रेज चाहिए, दो रेज चाहिए। तो ये ओ एक्स और ये ओ ए सपोजिंग, इनके बीच का एंगल थीटा होगा। तो अब मैं एक रे जो है ओ एक्स उसको फिक्स रखूंगा एक्स एक्सिस, ये जो दूसरी रे दिख रही है आपको ओ ए, इसको मैं घुमाना शुरू करूंगा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉक के अगेंस्ट में। मतलब ये मेरी सेकेंड रे है, ये मैं दिखा रहा हूं आपको स्केल, ओ ए रिप्रेजेंट कर रही है, वो ऐसे घूमेगी लाइक दिस। तो जैसे जैसे ये स्केल ऊपर जाएगी, इस ओ एक्स और इसके बीच का एंगल क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से यहां पर ये 0 डिग्री एंगल है। अब ऐसे करे धीरे धीरे, ये एंगल देखो कितना हो गया, 90 हो गया इन दोनों के बीच का। अब और इसको घुमाएंगे, ऐसे ऐसे घुमा लिया तो ये एंगल मेरे पास बन जाएगा 180 डिग्री का। इसको और ऐसे घुमाएंगे तो ये एंगल 270 का आ जाएगा, ये पूरा एंगल 270 का। इसको और घुमाएंगे इस तरह से तो ये एंगल 360 का आ जाएगा पूरा। एक बार फिर से देखते हैं, मैंने आपको बताया एंगल के लिए दो रेज चाहिए। तो इस रे OX को हम फिक्स रखेंगे, ये मूव नहीं करेगी। ये जो रे OA मेरे पास है वो मैं स्केल से दिखा रहा हूं आपको, इसको हम मूव करेंगे। जब ये रे OA यहां पर होगी इस तरह से, तो मैं कहूंगा एंगल मेरा 0 डिग्री है। इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा ऐसे धीरे धीरे, तो आप देख रहे हैं ये एंगल इंक्रीज हो रहा है। ये एंगल कितना बन गया, 90 बन गया। अब मैं इसको और घुमाता हूं तो ये एंगल बन गया 180। इसको और घुमाया तो ये एंगल बन गया 270। इसको और ऐसे घुमा दिया तो ये पूरा एंगल बन गया 360 डिग्री का इस तरह से। तो आपने देखा मैंने स्केल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, क्लॉक की उल्टी दिशा में, घड़ी की उल्टी दिशा में। घड़ी हमेशा ऐसे घूमती है, घड़ी की सुई हमेशा ऐसे घूमती है। मैंने इसको उल्टा घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाया। तो जब हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे, घड़ी की उल्टी दिशा में काउंट करेंगे, जब मेरी स्केल यहां पर है एंटी क्लॉकवाइज ऐसे काउंट कर रहा हूं, तो मेरा एंगल थीटा हमेशा पॉजिटिव काउंट होगा। तो अगर इसको फिक्स्ड रे मानकर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो आपका एंगल पॉजिटिव काउंट होगा। और कहीं अगर मैंने ये 0 डिग्री से स्टार्ट करके इसको ऐसे घुमा दिया, यहां पर रुका दिया, तो ये जो एंगल बनेगा मेरे पास, ये एंगल मैं क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूं, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में मूव कर रहा हूं, ऐसे मूव कर रहा हूं घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज, तो ये थीटा मेरे पास नेगेटिव काउंट होगा। बच्चे याद रखेंगे, तो क्लॉकवाइज मूव करने से एंगल नेगेटिव काउंट होता है फिजिक्स और मैथमेटिक्स में 11th 12th में।
और एंटी क्लॉकवाइज मूव करने से एंगल पॉजिटिव काउंट होता है। तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो एंगल पॉजिटिव, क्लॉकवाइज मूव करने से एंगल नेगेटिव काउंट होगा, याद रखेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया आप देखिए, मैंने आपको बताया कि यहां पर जब मेरी स्केल खड़ी होगी, यहां पर ये स्केल जब ऐसे होगी तो मेरा एंगल 0 डिग्री बनेगा, मतलब यहां पर मेरा एंगल 0 डिग्री होगा। जब मैं यहां से यहां जाऊंगा तो यहां पर एंगल कितना बन गया 90 डिग्री, फिर मैं ऐसे घूम के गया यहां तक तो ये एंगल कितना बन गया 180 डिग्री, और यहां से 90 180, और यहां पहुंच गया तो एंगल कितना बन गया 270 डिग्री नेगेटिव वाई एक्सिस पे, और यहां से घूम के ऐसे गए, फिर ऐसे गए, ये 270 और ये कितना बन गया 360। तो यहां पर पहुंचने पर एंगल कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो पॉजिटिव एक्स पर एंगल 0 डिग्री भी है और 360 डिग्री भी है। पॉजिटिव वाई पर एंगल कितना होगा 90, नेगेटिव एक्स पे 180, नेगेटिव वाई पे 270, पॉजिटिव एक्स पे 360 भी होगा। अगर मैं इसको ऐसे घुमाता हूं तो यहां से यहां तक पहुंच गया मैं, एंगल 90 बन गया, लेकिन क्लॉकवाइज है तो यहां पर एंगल -90 भी काउंट होगा, 270 भी काउंट होगा, -90 भी काउंट होगा। यहां से यहां तक चले गए, ये एंगल 90 दिख रहा है आपको, लेकिन मैंने क्लॉकवाइज मूव किया है तो एंगल मुझे नेगेटिव लिखना है। यहां से ऐसे गए -90 और ऐसे चले गए तो ये पूरा एंगल 180 हो गया, लेकिन क्लॉकवाइज तो यहां पर एंगल -180 भी काउंट होगा नेगेटिव एक्स पर। अच्छे से लिख देता हूं -180, फिर देखिए -90 -180 -270, तो यहां पर एंगल -270 भी काउंट होगा। -90 -180 -270 -360, तो यहां पर एंगल -360 डिग्री भी काउंट होगा। इसका मतलब यह हुआ कि एक्स एक्सिस का जो पॉजिटिव पॉइंट है वहां पर एंगल 0 360 -360 काउंट हो सकता है, पॉजिटिव वाई पर एंगल 90 या -270 होगा, नेगेटिव एक्स पर 180 या -180, नेगेटिव वाई पे -90 या 270, इस तरह से आपको सोचना है। अब अगर मैं कहता हूं फाइंड एंगल -135 डिग्री कहां पर आएगा, तो मैं 135 डिग्री माइनस चाहिए तो मैं क्लॉकवाइज मूव करूंगा, यहां से गया मैं 90 और 135 बीच में, तो ये लाइन मेरी आ जाएगी जो -135 होगी, यहां से ऐसे गया 90 और ऐसे यहां पर, तो ये मेरा एंगल बन जाएगा, इतना एंगल बन जाएगा -135 डिग्री, ऐसे मैं आपको कह रहा हूं। अगर मैंने कहा प्लॉट एंगल ऑफ 120 डिग्री, तो 120 आप जानते हैं ये 0 डिग्री, ये 90 हो गया, और 30 और चलेंगे तो 120 आ जाएगा, यहां से यहां तक 90 हो गया, मुझे 120 में पहुंचना है तो 30 और चाहिए, तो यहां से 30 और जाइए, तो शायद इस तरह से ये मेरा एंगल बन जाएगा 120 डिग्री। तो इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल्स आपको प्लॉट करने रहेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों की क्वाड्रेंट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, और यहां पर एंगल 0 होगा 90 180 270 और 360, या 0 से -90 -180 -270 -360, इस तरह से मैंने आपको बात समझाई। क्लॉकवाइज रोटेशन में एंगल को नेगेटिव काउंट करना है आपको, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में एंगल को पॉजिटिव काउंट करना है। होप आपको समझ में आया होगा कि एंगल को पॉजिटिव नेगेटिव कैसे काउंट करना है, प्लॉट कैसे करना है। उसके लिए दो एग्जांपल मैंने आपको दिए, 120 डिग्री कैसे प्लॉट करेंगे और -135 डिग्री कैसे प्लॉट करेंगे। पॉजिटिव के लिए एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव के लिए क्लॉकवाइज जाएंगे, इस तरह से बात हो रही है। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।